सरकार चुनाव से पहले घर खरीदारों को एक और राहत देने की पूरी तैयारी कर रही है। अब होम बायर्स को क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर बुक कराने पर सब्सिडी की रकम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंतजार के चलते उन्हें इस सब्सिडी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता। सरकार चाहती है कि इस स्कीम का फायदा उन्हें तुरंत मिले, इसके लिए सब्सिडी की रकम का इंतजार न करना पड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत प्रक्रिया को किस तरह से तेज किया जाएगा और इससे होम बायर्स को क्या फायदे मिलेंगे, जरा समझाएं। देखिए, होम बायर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। जैसा कि आप जानती हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें चार कैटेगरी में अलग अलग हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी का फ़ायदा होम बायर्स को मिलता है। अभी होता यह है कि जैसे ही आपने घर बुक कराया, आप इस कैटेगरी के तहत अगर आप आते हैं तो आप सब्सिडी के हकदार होते हैं, लेकिन सब्सिडी की जो रकम है उसकी अदायगी में कुछ वक्त लगता है और इस वक्त के दौरान आपको पूरी ईएमआई देनी होती है। उसके बाद जब सब्सिडी की रकम आपके अकाउंट में आती है, फिर जो रकम है ईएमआई की, उसमें कमी आती है। तो शुरुआती तौर पे होम बायर्स को दिक्कत होती है क्योंकि उनको पूरी रकम देनी होती है। अब सरकार ने सारे कमर्शियल बैंक्स को, एनएचबी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस रकम की अदायगी में तेजी लाई जाए। इससे ये फायदा होगा कि होम बायर्स को शुरुआती दिनों से ही ईएमआई में कमी का फायदा मिलेगा और उन पर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, और साथ ही साथ अगर सब्सिडी की रकम की अदायगी में तेजी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा होम बायर्स इसका फायदा उठा सकते हैं, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैंकों से ये भी कहा गया है कि होम बायर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उसको जल्दी से जल्दी उसको क्लियर किया जाए और फिर उसके बाद एनएचबी को अप्रोच किया जाए, जो कि नोडल एजेंसी है और जो एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करती है और वो सब्सिडी की रकम की अदायगी में उसकी अहम भूमिका है। इस बात के भी योजना बनाई जा रही है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि एनएचबी को अतिरिक्त रकम के तौर पर 7,000 करोड़ रुपये भी दिए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम बायर्स को इस सीएलएसएस स्कीम का फ़ायदा मिले। शहरी विकास मंत्रालय, जैसा कि सोर्स बता रहे हैं, कि मार्च तक इन जो घर मंजूर किए गए हैं और जिसका फायदा लोगों को मिला है सीएलएसएस स्कीम में, उसकी संख्या को बढ़ाकर 5 लाख तक करने की योजना है। तो जाहिर तौर पे चुनावी साल में अगर इस स्कीम में तेजी आती है और सब्सिडी की रकम की अदायगी में तेजी आती है तो होम बायर्स को फायदा तो होगा ही होगा और सरकार को भी इसका फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।